नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। सरपंच संघ के कार्यकर्ताओं ने 11 सूत्री मांग को लेकर समाहरणालय के समीप किया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। पूरे सूबे में आज सरपंच संघ की ओर से अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इसी बाबत आज नाथनगर प्रखंड के सरपंच संघ के कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय के समीप अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वहीं पंच सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष ब्रजेश चौधरी ने बताया कि 2006 से ही ग्राम कचहरी का चुनाव हुआ है। ग्राम कचहरी सरपंच पंच के साथ सरकार सौतेला व्यवहार लगातार करते आ रही है। ग्राम कचहरी पूरे साल में 2 लाख से 3 लाख केसों का निष्पादन करती है, फिर भी ग्राम कचहरी के प्रति सरकार की उदासीन रवैया क्यों, ये समझ नहीं आ रहा है। ग्राम कचहरी के कार्यकर्ताओं से कोई पूछने वाला नहीं, ना ही कोई संसाधन सुविधा दी जाती है। इसको लेकर सरपंच संघ ने पूरे सूबे में 38 जिले में अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम लोग पूरे सूबे से गांधी मैदान पटना में एकत्रित होकर इस्तीफा दे देंगे। धरना जो दिए हैं हम लोग, 2006 से ग्राम कचहरी का चुनाव हुआ है। ग्राम कचहरी सरपंच पंच इनके साथ लगातार सरकार सौतेला व्यवहार कर रहा है। ग्राम कचहरी पंच सरपंच एवं ग्राम कचहरी के साथ रोज अपनी बातों से मुकर रहा है। ग्राम कचहरी साल में 2 लाख से 3 लाख तक मामले को निष्पादन करता है, जो कि सूबे की मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि मेरे ग्राम कचहरी का मामला 3 लाख तक ग्राम कचहरी कम करती है, जो कि मैं न्यायालय व्यवहार न्यायालय अनुमंडल का मामला को कम करते हैं, फिर भी मेरे साथ सरकार यह घोर अन्याय कर रही है कि ना तो इनको कोई पूछने वाला, ना इनको कोई संसाधन, ना तो कोई सुविधा ग्राम कचहरी के साथ है। लगातार धरना प्रदर्शन करता रहूंगा, अगर उसके बाद भी नहीं मानेगी तो मैं आजीवन सभी आदमी गांधी मैदान में सामूहिक रूप से इस्तीफा सौंपेंगे, यही मेरी मांग है। परिचय ब्रजेश चौधरी, पंच सरपंच संघ जिला अध्यक्ष भागलपुर।